हेलो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि अपने मोबाइल में और एक नए जीमेल अकाउंट बनाने के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम में आपको उसमें आपको जीमेल भी मिल जाएगा अपने मोबाइल में, तो उसे आपको पहले ओपन करना है अपने मोबाइल में। उसके बाद दोस्तों, आपको राइट साइड के टॉप में आपकी मोबाइल का प्रोफाइल, आपका एडिट जो भी प्रोफाइल होगा उसे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको दोस्तों दिख रहा होगा यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट नाम का, तो उसे चूज करोगे। उसे चूज करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं गूगल दिखा रहा है और आउटलुक, हॉटमेल एंड लाइव दिखा रहा है, यहो दिखा रहा है, एक्सटर्नल ऑफिस वगैरह वगैरह कुछ कुछ दिखा रहा है। आपको गूगल को जाना होगा। यहाँ पर दोस्तों, आपका लॉक स्क्रीन पासवर्ड अगर आपने मोबाइल में आप दिए होगे तो हम यहाँ पर डालना होगा, तो मैं भी यहाँ पर मेरा डाल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, थोड़ी देर के बाद आपको इस पेज का कुछ आएगा जहाँ पर आपको फॉरगेट ईमेल दिखा रहा है, लेकिन आपको नीचे आपको दिखा रहा है एक क्रिएट अकाउंट नाम का, उसे चूज करना होगा। यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों दो ऑप्शन, जो कि है फॉर माय पर्सनल यूज, फॉर वर्क और माय बिजनेस। तो मुझे अब पर्सनल यूज के लिए करना है, तो इसीलिए आपको पर्सनल यूज ही चूज करना होगा। उसके बाद दोस्तों, आपका फर्स्ट नेम देना होगा और उसके बाद आपका सरनेम देना होगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर मेरा दे रहा हूँ, आपके हिसाब से जो भी आपका फर्स्ट नेम है और उसके बाद आपका सरनेम देना है, तो यहाँ पर मैं दे रही हूँ मेरा नाम। उसके बाद दोस्तों, आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका देना है, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जेंडर, कौन से मंथ में आपका बर्थ हुआ है और कौन सी ईयर, यहाँ पर सारा के सारा फिलअप करना है, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। उसके बाद फिर से नेक्स्ट। तो उसके बाद दोस्तों, आप जो नाम आप दिए हो प्रीवियसली, आपका सरनेम और उसके बाद आपके जो फर्स्ट नेम दिए हो, उसके हिसाब से आपको गूगल को यहाँ पर जीमेल अकाउंट रिकमेंड कर रहा है, लेकिन उसके हिसाब से आप करना चाहते हो तो उसे चूज करोगे। अगर आपके हिसाब से और एक नए क्रिएट करना चाहते हो, क्रिएट योर जीमेल अकाउंट को चूज करना है, तो दोस्तों उसके नीचे भी आपको दिखा रहा है कि यू कैन यूज लेटर्स, नंबर्स एंड फुल स्टॉप ऑल्सो, लेकिन आपको यहाँ पर गैप नहीं देना है दो वर्ड्स के बीच में, तो यहाँ पर मैं दे रही हूँ। देने के बाद दोस्तों, आपको नेक्स्ट करना है। और एक दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि है, अगर आपका यूजर नेम ऑलरेडी दे चुके हो तो उस नाम से, तो वो भी आपको वैलिड नहीं करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मेरा एक वैलिड नहीं हुआ है यहाँ पर, तो मैं और एक ट्राई कर रही हूँ जो कि यूजर नेम नहीं है मेरे पास। इसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर पासवर्ड देना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी गूगल रिकमेंड भी कर रही है कि गूगल क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विथ ए मिक्सचर ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स एंड सिंबल्स। आपको पासवर्ड देना है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जो कि लेटर्स भी होगा और नंबर्स भी होगा, उसके साथ सिंबल्स भी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे रही हूँ। उसके बाद फिर से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद दोस्तों, ये 8 फ़ोन नंबर दिखा रहा है उस यहाँ पर, जो कि आपको नीचे जाकर थोड़ी स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, येस आई एम इन, तो उसे चूज करना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट इस पेज में। उसके बाद दोस्तों, एंड प्राइवेसी एंड टर्म्स, ये सारे आपको पढ़ना है, और प्राइवेसी के बारे में अगर पता नहीं है तो इसके बारे में आपको पता करना है। उसके बाद दोस्तों, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, आई एग्री, उसे चूज करोगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, आपका एक गूगल अकाउंट ऑलरेडी एक ओपन हो चुका है, तो दोस्तों चेक करते हैं कि वो ओपन हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर फिर से आपको अपने प्रोफाइल में जाना होगा। जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो एक मेरा जीमेल अकाउंट ओपन हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन कीजिए, यूट्यूब चैनल भी खोलना चाहते हो, तो और जो भी करेंगे, जीमेल अकाउंट तो चाहिए, ओपन करना ज़रूरी है, और उसके साथ ही दोस्तों आपको उसका पासवर्ड भी याद करना चाहिए। और अगर आप कोई भी आपको जीमेल अकाउंट और पासवर्ड मांगेगा, तो उसको अगर आप जानते हो उसे लोगों के साथ ही शेयर कीजिए, नहीं तो आपके मोबाइल में डाटा लीक होने के भी चांसेस है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ मदद हुआ होगा तो इस वीडियो को नीचे आपको लाइक करना है। अगर इस चैनल में आप नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। और उसके साथ ही दोस्तों, आपको गूगल रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट डाउन कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।